हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वंडरफुल स्किन केयर रेमेडी। ये रेमेडी बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाती है। ये जितनी ज्यादा सिंपल है उतनी ही ज्यादा पावरफुल भी है। अगर आप इस रेमेडी को अपनी स्किन पर रेगुलरली अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पर जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, आपके ओपन पोर्स बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। अगर आपके फेस पर ब्रेकआउट्स हैं या पिंपल के मार्क्स हैं या पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, तो ये सारी प्रॉब्लम इस रेमेडी को यूज़ करने से सॉल्व हो जाएंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन टी टोनर, जो खासकर गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो आप दिन में जितनी भी बार फेस वॉश करते हैं, हर बार फेस वॉश करने के बाद आपको ये स्किन टोनर अपने फेस पर अप्लाई करना है। आपका फेस एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, आपकी स्किन रिजुविनेटेड फील करेगी। मैंने कभी भी केमिकल बेस्ड जो स्किन टोनर होते हैं अपने फेस पर अप्लाई नहीं किए हैं। या तो मैं ग्रीन टी टोनर अप्लाई करती हूँ या फिर राइस वाटर स्किन टोनर अप्लाई करती हूँ। राइस वाटर स्किन टोनर का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज डू चेकआउट। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दिए हुए आई बटन में। ग्रीन टी स्किन टोनर बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर आपके फेस पर अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम भी है तो वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ग्रीन टी टोनर बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन टी, जिसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टी के 3 बैग्स। आप किसी भी ब्रांड की ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद गैस का फ्लेम स्विच ऑन करके एक पैन रख लें और इसमें डाल दें 2 कप पानी। इसके बाद ग्रीन टी के बैग्स को कट करके ग्रीन टी को इस पानी में ऐड करेंगे और इस पानी को हम तब तक उबलने देंगे जब तक कि अपनी क्वांटिटी का 1/4 ना रह जाए। जैसे हमने यहाँ 2 कप पानी इस्तेमाल किया है, तो जब तक पानी बॉईल होकर आधा कप ना रह जाए तब तक हम इस पानी को उबालते रहेंगे। ग्रीन टी टोनर हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है। ये सीबम प्रोडक्शन रेगुलेट करता है, जिससे हमारी स्किन ऑयली नहीं होती। एंड ग्रीन टी इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट आल्सो हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो हमें ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए, रोज़ाना पीनी चाहिए और इसका टॉपिकल एप्लीकेशन भी ज़रूर करना चाहिए। तो पानी उबलकर लगभग आधा कप ही रह गया है, तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो एक बोल ले लें और उसके ऊपर रख दें छाननी और इसे छान लें। इसके बाद इस तरह की एक स्प्रे बॉटल ले लें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो इस तरह की बॉटल नहीं है, तो क्या हम टोनर ना बनाएं? बिल्कुल बनाइए, बट उस केस में आपको करना क्या होगा, किसी एयर टाइट कंटेनर में इस टोनर को स्टोर करके रख लें। स्प्रे बॉटल में टोनर को स्टोर करने से इसे अप्लाई करना इजी हो जाता है और प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता। और अगर आप कंटेनर में इसे स्टोर करके रखते हैं तो आपको कॉटन बॉल्स की हेल्प से इन्हें अपने फेस पर अप्लाई करना होता है या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अपने फेस पर अप्लाई करना होता है, जिसमें बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से टोनर को स्प्रे बॉटल में स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो है रोज़ वाटर। मैं यहाँ गुलाबरी रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग रोज़ वाटर हेयर, बिकॉज रोज़ वाटर इज़ अ नेचुरल टोनर। रोज़ वाटर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमारी स्किन के लिए बेस्ट होती हैं। तो मैं यहाँ अराउंड 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद बॉटल को अच्छे से शेक कर लें ताकि दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारा बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही पावरफुल स्किन टोनर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद इसे स्टोर करेंगे रेफ्रिजरेटर में, और जब इसे आपको अपने फेस पर अप्लाई करना हो तो फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट इसे अपने फेस पर अप्लाई करें। समर्स में हमारी स्किन पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो जब आप ये स्किन टोनर अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो आपका फेस एकदम रिफ्रेश हो जाता है। फेस वॉश यूज़ करने के बाद भी हमारी स्किन में कुछ एक पोर्स क्लॉग्ड रह जाती हैं, मतलब स्किन पूरी तरह से क्लीन नहीं होती। बट जब हम फेस वॉश करने के बाद टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो क्लॉग्ड पोर भी खुल जाती हैं और हमारी स्किन पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। तो दिन में जितनी भी बार आप फेस वॉश करते हैं, चाहे 2 बार करते हैं या 3 बार करते हैं, हर बार फेस वॉश करने के बाद आपको ये टोनर अपने फेस पर अप्लाई करना है। और इसके रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसे रेगुलरली अपने फेस पर अप्लाई करेंगे।
और हर बार अप्लाई करने से पहले आप इसे अच्छे से शेक कर लें, उसके बाद इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और फेस पर अप्लाई करने के साथ साथ आप इसे अपनी नेक पर भी अप्लाई करें और इसे अप्लाई करने के बाद अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस को डैब करें ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। I hope you enjoyed watching this video. If you did, then please give it a big thumbs up and share it with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.